हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी मॉर्निंग का 8 बज रहा है और मैं खाना बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए और क्या क्या बना रहा हूँ, देखिए। सबसे पहले मैंने प्याज काट लिया है और इधर लहसुन और मिर्चा और आदि को कूट दिया हूँ, ठीक है, इसमें। और इधर रहा आलू, ठीक है, और ये रहा परवल। तो परवल में पहले नमक डालूंगा, इसको फ्राई करूंगा, ठीक है। तो नमक में थोड़ा बहुत डाल देता हूँ इसमें, उसके बाद हल्दी डालूंगा। थोड़ा बहुत हल्दी डाल दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं मिक्स कर दूंगा इसमें। फ्राई करना है ना, तो बढ़िया तरीके से मिल जाए इसमें, पूरा मिक्स हो गया। और इधर गैस ही बार दिया हूँ और कढ़ाई को चढ़ा दिया हूँ और कढ़ाई को भी चढ़ा दिया हूँ। और ये रहा तेल, तो इसमें तेल डालूंगा, ठीक है। सो फाइनली इसमें मैं तेल डाल दिया हूँ। अब कुछ देर होने देता हूँ गरम, तो उसके बाद ये डालूंगा। दोस्तों फाइनली तेल गरम हो गया है, देखिए। ओ गरम हो गया ना, अब मैं इसको डालूंगा फ्राई करने के लिए। चल इतना फ्राई करता हूँ। दोस्तों इसको उलट पलट के बढ़िया से फ्राई कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे उलट कर। दोस्तों आप देख सकते हैं फ्राई हो चुका है, देख रहे हैं, पूरा सनट गया है। अब इसको हम निकालते हैं। हो चुका है, अब चलिए दूसरा डालते हैं। पूरा कंप्लीट हो गया फ्राई, ठीक है। इसको थोड़ा आंच को कम करते हैं। पूरा कम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा मरीच कूट लेते हैं, ठीक है। ये पूरा सामान रहा हम लोग, मसाला वसा, तो ये रहा मरीच, देख रहे हैं। हम इसको ले चलते हैं इसमें फल में कूटने के लिए। बाकी सब कूट दिया हूँ, इतना मरीच रहता हूँ बस इतना। अब इसको बंद करता हूँ, उसको रख देते हैं, हो गया। और ये रहा हम लोग का सामान, बर्तन बने, ठीक है। और ये रहा कूटने वाला मसाला, तो कूटता हूँ। समूचा कूटा गया, अब इसमें से इसमें निकालता हूँ। फाइनली मरीच को निकाल लिया। अब सूखा मिर्च, सूखा मिर्च लेंगे, एक दो तीन चार पांच या छह, इसमें मिर्च को तोड़ता हूँ। सो मार्चा को रख दिया। और ये रहा जीरा, जीरा को भी यहाँ रखता हूँ। जीरा ना, जीरा डालेंगे, ठीक है। तो बंद करके रख देता हूँ। और इसमें है पचफोरना, देख रहे हैं, ये रहा पचफोरना। तो पचफोरना को भी थोड़ा सा निकालते हैं, बस थोड़ा सा, बस हो गया। इसको बंद करता हूँ। सो फाइनली गाइस, जब मैं चलता हूँ फोरन देने, सो ये रहा तेल और गैस चालू है। तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, मिर्चा, सूखा मिर्च। उसके बाद जीरा,
पछोरना ऊपर मरीच है, मरीच थोड़ा से इसमें चला दूंगा, अब थोड़ा से इसमें चलाऊंगा। फोरन लगने लगा तब मैं डालूंगा ये लहसुन मिर्चा अदरक जो मैं कूचा हूँ। अब थोड़ा देर इसको भूजना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से ताकि ये पक जाए पूरा मसाला। दोस्तों मैं आप लोग से बता दूं, ये जो फोरन को भूजते हुए जब परछन में धरने लगे, देख रहे हैं इधर, तो समझ जाइएगा फोरन पक गया है, ठीक है। अब इसमें प्याज डालना है, प्याज इसको चलाना है, पूरा बढ़िया तरीके से चला देना है इसको। थोड़ा सा नमक इसको छोड़ना है, ठीक है, नमक ताकि जल्दी से गल जाए। तो नमक छोड़ते हैं, पहले ये रहा नमक, इतना नमक लगे की बाद में छोड़ देंगे। अब सब्जी में नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है, खूब बढ़िया चलाना है, पूरा नमक मिल गया चला दिए। अब इसको मैं ढक देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा हल्दी भी डाल देते हैं उसमें एक ही बार सब्जी के साथ में, समझे ना, इसको बंद कर देते हैं, इसको फिर इसको मिक्स कर देंगे पूरा बढ़िया तरीके से। इसको 5 मिनट हम लोग ढक देंगे, ठीक है, 5 को कम करके, ये रहा खाली, अब इसको मैं ढक दूंगा मात्र 5 मिनट के लिए। दोस्तों मैं आप लोग से दिखा दूं, देखिए ये क्या चीज़ का बोतल है, बताइए, ब्लैक ऑल का, देख रहे हैं, इसी पे एक सॉन्ग याद आया, कि तोरा संगे नाता रिश्ता जोड़ ले हम हरदम रे, तोरा संगे रहम हम रातो दिन सनम रे, दोसरा के संगे अब नहीं बैठम रे, तोरे सहारे अब जियम हरदम रे, तोरे सहारे हम जियम हरदम रे। आप लोग कैसा लगा बताइएगा। दोस्तों 5 मिनट हो गया, इसको हटा दे रहा हूँ, इसको चलाता हूँ, फाइनली प्याज गल चुका है। तो ये रहा आलू, इसको मैं धो के फ्रेश करके रखा हूँ, अब इसमें डालता हूँ, ठीक है, इसको चलाऊंगा बढ़िया तरीका से मिक्स करूँगा इसमें, देख रहे हैं रंग इसका, सुगंध कितना हार्ड लग रहा है, वाह। 15 मिनट के लिए ढक देता हूँ ताकि ये आलू गल जाए, ठीक है, तो थाली इसको ढक दे रहा हूँ। दोस्तों बीच बीच में झोंकने भी हटा कर देखते रहिएगा, सब्जी लग तो नहीं रहा है, तो चला दीजिएगा, ठीक है, चलाने के बाद इसको एक करछुल से दाब के देख लीजिए गला है कि नहीं, अभी टाइम लगेगा, ठीक है, गलने में ऐसे करछुल से दाब के देख लीजिएगा, ठीक है, कि गलत नहीं है,
इतना ही गला है, टाइम लगेगा। फिर चला दीजिएगा बढ़िया से। चलाने के बाद उसको ढक दीजिएगा। देख रहे हैं सब्जी का रौनक देखिए। ढक दीजिए उसको दोस्तों, अपने हिसाब से इसमें पानी डाल लीजिएगा, ठीक है। मैंने तो पानी डाल दिया हूँ। और उसके बाद जो 1 रुपये में गोल्डी मिलता है, ये गोल्डी एक डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मसाला डाल दीजिएगा। ये मसाला इसमें रहा, जीरा मिर्च धनिया वनिया हर एक चीज़, तो मैं डाल दिया उसमें। उसके बाद मिलाकर बढ़िया से, ठीक है, और इसको तोप देना है, कुछ नहीं करना है। ये जब ढक जाएगा तो प्रोडक्ट इसमें डाल दिया जाएगा, सब्जी कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों फाइनल में परवल डाल दिया हूँ उसमें, ठीक है, और ढक रहा है बढ़िया तरीके से, कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। 2 मिनट में सब्जी बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं ढक देता हूँ। और देखिए चावल बना के मैं कंप्लीट कर लिया हूँ, ठीक है। अब चलता हूँ चावल निकालने और खाना खाने, ठीक है। आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। दोस्त खाना बनके फाइनली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चलता हूँ, थाली लेके आता हूँ, फ्रेश करता हूँ, उसमें खाना करता हूँ, चावल और सब्जी खा के टेस्ट बताता हूँ, ठीक है, आप लोग का कैसा टेस्ट है। ओके तो चलता हूँ। हे गाइस, मैं फाइनली खाना निकाल चुका हूँ और देखिए मैं खा के बता रहा हूँ टेस्टिंग कैसा है, ठीक है। देखिए तो ये रहा चावल और मिर्चा और प्याज और सब्जी, ठीक है। तो मैं खा के बता रहा हूँ टेस्टिंग, इसका टेस्टिंग कैसा है। पूरा गर्मा गर्म है यार, वाओ। सुपर फैंटास्टिक यार, बहुत सुपर टेस्ट है यार, मजा आ गया, वाओ। तो चलिए मैं फटाफट खाना खाता हूँ और चलता हूँ। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं, जब तक